देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया को मिला पहला आईजी, विनोद कुमार ने पूर्णिया रेंज की संभाली कमान। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्णिया आईजी ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपराध को रोकना, अपराधी को पकड़ना और विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारा काम है। आईजी ने पूर्णिया रेंज के चारों जिले के SP के साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करने की बात कही है। इसके साथ ही आपराधिक घटनाओं के फाइल के साथ समीक्षा की जाएगी। जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने की बात कहते हुए आईजी ने कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। आईजी ने जनता के सहयोग करने की उम्मीद जताई है। पहले तो मैं आईजी पूर्णिया रेंज के रूप में प्रभार ग्रहण किया हूँ, तो जो भी पुलिस का काम है कि अपराध नियंत्रण करना और अपराध का उद्भेदन करना, विधि व्यवस्था का संधारण करना, तो जो पुलिस का रोल है, तो हमारा केवल इतना रहेगा कि जो भी हमारे रेंज में 4 जिले हैं, तो सभी SP के साथ मिल करके और एक टीम के रूप में काम करना। उनको जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर मैं उनको गाइड करूँगा, यही। और पुलिस मैनुअल में जो हमारा रोल डिफाइंड है, उसके अनुरूप मैं काम करूँगा। हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं पूरे बिहार में काफी बढ़ी, खासकर के इलाके में, तो ऐसे में किस तरह से इसको कंट्रोल किया? अभी तो मैं पूरे जिले, चारों जिले की अपराध की समीक्षा कर लूँगा, अपराध का डाटा को रिव्यू कर लूँगा कि किस किस थाने में, किस किस अनुमंडल में अपराध बढ़े हैं, उसकी मैं समीक्षा अनुमंडल हेडक्वार्टर में जाकर करूंगा, तब मैं कुछ कहने की स्थिति में रहूं। तो हर एक शनिवार को जो थाना प्रभारी और CO की बैठक होती है, उसके बाद SDPO और SDO की बैठक होती है, फिर DMSP को रिव्यू करना पड़ता है, उसके बाद अब IG और कमिश्नर को भी रिव्यू करना है मंथ में एक बार, तो उसमें उन लोगों की जो भी समीक्षा की टिप्पणी आएगी, उसके बाद हम लोग अपने स्तर से भी उसको रिव्यू करेंगे, तब देखेंगे कि कहां पर कमी हो रही, उसको दुरुस्त किया जाएगा। सर, आपको लेकर जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि एक नए आईजी मिले हैं, ऐसे में सर जनता से कम्युनिकेट करने के लिए उनको क्या संदेश देना चाहिए? जनता से हम सीधे रूप से जुड़े रहेंगे, और जो भी सरकारी नंबर है वो हमारा 24 आवर्स कार्यरत रहेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से भी अगर उनकी कोई समस्या होगी, तो उस पर हम चाहेंगे कि उस पर त्वरित कार्रवाई हो, और जनता का सहयोग अब तक की सेवा काल में हम लेते रहे हैं, और उम्मीद है कि यहाँ भी हमको जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा।